मालूम है, लाइफ में अपने आप को भीड़ से अलग करना बहुत जरूरी है, यू नो। अगर हम क्राउड में रहेंगे ना, तो फिर आपकी वो वैल्यूएशन नहीं आएगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी वैल्यू की जाए, तो आपको अपने आप को भीड़ से हटाना है। और मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में ना, इस के बाद यानी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज, अपने आप को क्राउड से हटाना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके लिए ना फिर कुछ बड़ा करना पड़ता है। सीएम बनना पड़ेगा, पीएम बनना पड़ेगा, कुछ अलग सा करना पड़ेगा कि आप भीड़ से अलग हो जाओ आप सर। लेकिन लाइफ में सबसे इजी है अपने आप को अलग करना ड्यूरिंग दिस फेज। ये जो फेज है ना, ये बहुत बढ़िया फेज है। आपकी रैंक आ गई, खत्म, पूरी जिंदगी वो टैग लग गया। आप इंटरव्यू में बैठे हो, 100 बंदे साथ में बैठे हैं, आप अलग हो, यू आर अ रैंक होल्डर। आपके किसी सब्जेक्ट में 90+100 है, आप अलग हो। आपका सिलेक्शन करने वाले का नजरिया ही आपके बात करने का अलग होगा। वो जब आपसे बात करेगा, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी उस चीज को रिस्पेक्ट देते हुए वो आपसे बात करेगा। वो आपको बाकियों की तरह नहीं समझेगा कि जो भीड़ में बैठे हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि 4 महीने मेहनत करी और वो टाइटल मिल गया। 4 महीने मेहनत करी और वो टाइटल मिल गया। और वो टाइटल वन टाइम टाइटल नहीं होता, आई एम टेलिंग यू, वो टाइटल आपकी जिंदगी में आपके साथ रहेगा हमेशा, कोई छीन नहीं सकता उसको आपसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिंदगी में सारी चीजें जो होती है ना, वो टेम्परेरी है। बट ये जो टाइटल्स आप लोगे ना, CA, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये टाइटल मेरा है, उससे कोई नहीं छीन सकता। आई एम ऑल इंडिया रैंक होल्डर, नोबडी कैन स्नैच दिस फ्रॉम मी। ये फैक्ट है और ये सच रहेगा। जितने मर्जी लोग बोलते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो टाइटल मैंने ओन करा है। और आई एम टेलिंग यू, 4 महीने की मेहनत करनी है एंड दैट टाइटल विल बी योर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो काम करो लाइफ में ऐसा विजन रख के कि यार मुझे अलग करना है कुछ। बस सब कर रहे हैं, मैं कुछ अलग करूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि यार लेट्स डू समथिंग और आई विल हेल्प यू इन दैट, आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट दैट थिंग।